एक जननी मां की गाथा आपके बीच में। कौन के एक दुखिया नारी जिसके घर में केवल एक बेटा था, भगवान के ऐसे करने हुए कि बेटे की उम्र 2 वर्ष की हुई तो उस औरत का सुहाग उजड़ गया और वो औरत विधवा हो गई। बड़े दुख सुख पाके उस औरत ने उस बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जवान किया। जब बेटे की उम्र 20-21 साल की हुई तो बेटा गलत संगत में पड़ गया और गलत संगत में पड़ने के कारण ठीक टाइम पर नहाना नहीं, ठीक टाइम पर खाना नहीं, ठीक टाइम पर घर पे आना नहीं। जो माता थी बुढ़िया, उसने बड़ी चिंता हुई अपने बेटे की, लेकिन बाप का साया भी सिर पे नहीं था, बेटा तो बिगड़ना ही था। बतेरा समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। मेरे भाई और मेरी बहनों, जरा दिल थाम कर सुनना, एक एक बोल दिल में उतरने वाला है। बहुत कोशिश की माँ ने समझाने की, लेकिन बेटे की समझ में एक बात भी नहीं आई। बेटा इतनी गलत संगत में पड़ गया कि आप पे से बिल्कुल बाहर हो गया। माँ का कहना कति नहीं माने और चलते चलते बात कहां पहुंची कि लड़का एक लड़की के प्रेम जाल में फंस गया। रोज मुलाकात करनी, लड़की से मिलना। एक रोज की बात है, वो लड़की न्यू कहने लगी कि न्यू मिलना कब तक रहोगा, मैंने अपनी तो घराली बना के अपने घर ले चाल तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, आप दोनों जीवन साथी बन जावांगे। तो लड़का कहने लगा कि मैं तो तैयार बैठा हूं कि तू एक बार हां करके तू मेरी घराली बने और हम दोनों मिलकर के जीवन साथी बना, अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी चलावा। लड़की कहने लगी कि बात तो सही है लेकिन मेरी एक कंडीशन, एक शर्त है। वह शर्त के बोल पूरी कर देगा, हाँ जो तू कहोगी वो सारी शर्त पूरी करने खातर मैं तैयार हूं, पर तू मेरे साथ शादी कर लेगी ना। लड़के ने कहा कि हाँ कर लूंगी, बता तेरी क्या शर्त है, अभी पूरी कर दूंगा। लड़की कहने लगी देख ले कदे वचना तो फिर जा, न बोला कति नहीं फिर तू बोल के कहना चाहे। लड़के ने कहा कि मैं तेरी अर्धांगनी बनके तेरे साथ में चलूंगी, एक बार तो अपनी माँ के कालजे तो मैंने मिला दे। मूर्ख ने इतनी बात सुनी, समझा कोना इशारा और खंजर लेकर अपने घर पहुंच गया, क्योंकि वो अंधा हो चुका था उस इश्क जाल में। घर जाके माँ से जाकर के कहा कि माँ दरवाजा खोल। माँ ने दरवाजा खोला, बेरा था रोज रात न वारी आवे है। आते बोली बेटा बैठ, सर्दी का टेम है मेरे लाडले, पहले तो लग गर्म पानी में तेरे पाँ धो दूं और मुंह हाथ धो दूं बेटा, उसके बाद तेरा खाना तैयार है, गर्मा गर्म खाना खाइए। देखो माँ की ममता कैसी होती मेरे भाइयों बहनों। अब वो मूर्ख पीछे खंजर छुपाए बैठा था, जैसे ही माँ ने खाना डालना शुरू कराया, उस पापी ने, उस मूर्ख ने, उस हत्यारे ने, उस नादान ने वो खंजर निकाला और अपनी माँ के दिल पर दे मारी। माँ लव लुहान होगी और वो चीर के यहां से हिस्सा और माँ का कर्जा काट लिया। और कर्जा काट दे माँ के कर्जे में तो एक आवाज आई, रेम रे बेटा, रेम रे लाल, तने तो जुड़ सिकनी दिखर दी, तू जुग जुग जीव मेरे बेटा। लोगो, माँ से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया के अंदर। अरे जिस छाती से लगा करके उसने दूध पिला करके उसने जवान किया उस बेटे को, उसी बेटे ने आज उसी छाती पर वार किया खंजर से। लेकिन माँ की ममता देखिए, माँ की ममता फिर भी यही करे, रे बेटा तेरा भला हो, तू जिंदा रहो, रे जुग जुग जीव मेरे लाल। मेरे भाई और मेरी बहनों, माँ से बढ़कर संसार में कोई दौलत नहीं है। वो तड़पती हुई ममता अपने बेटे को किस तरह से क्या कहने लगी, एक एक बोल सुनना, ये स्टोरी आपके दिमाग में, दिल में छा जाएगी, दिल में उतर जाएगा एक एक बोल। और वो रोती हुई ममता किस तरह से अपने बेटे को क्या कहने लगी। एरे जिस छाती के लाके पाया, एरे उस पे कर दिया वार तने, एरे जुग जुग जियो लाल मेरे, यूं ममता रही पुकार तने, ममता रही पुकार तने, जिस छाती के लाके पाड़ा, रे उस पे कर दिया वार तने।
जान लग गई। बोलूरी बेटा जब दो साल का था रे, दो अंगल का था तू, बड़े लाडा तो पाला था मेरे बेटा, नू सोचा करती एक दे जवान हो जाएगा, मन भी सुख होगा, मेरे बेटे ने ब्याह लूंगी, मेरे भी एक सुंदर सी बहू गरमाओगी, आंगन में फिरेगी, मेरे भी खुशी होगी। बेटा 20 साल खूब हाथ करी, लेकिन मेरे 20 साल का बढ़ता होया उम्मीद का दीवा तने एक मिनट में फूक मार के बुझा दिया मेरे लाडले, और तड़पती हुई ममता क्या कहने लगी, मुझ दुखिया ने लाल जना था, मुझ दुखिया ने लाल जना था, पितर ले मचा कर के सो सो सपने लिया करूं थी, तेरी ओर नंगा कर के नू सोचू थी मौज करूंगी, बेटा तने बड़ा करके मैं भी सुख के जन काटूंगी, पाल पोस तेरा प्यार करके, पाल पोस तेरा प्यार करके। ये 20 साल का बढ़ता दीवा, 20 साल का जब तेरा बाप गुजरा मेरे मन में एक उम्मीद थी कि चलो राम ने सुहाग होगा उजाड़ दिया, लेकिन मेरे पास कम से कम मेरा बेटा तो है, कोई तो मेरा सहारा बनेगा। बेटा मैंने दिन रात मेहनत करके तेरे को इतना बड़ा करा था, मेरी एक उम्मीद, सिर्फ एक उम्मीद तू बची थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस छाती का दूध पिलाकर तू अपने बेटे को बड़ा कर रही है वो बेटा नहीं है, वो तो मैं सांप ने दूध पिलाने लग रही हूँ, और बड़ा होकर सांप मरने डसेगा, मैंने कभी सोच नहीं थी। लेकिन मेरे लाडले फिर भी यही दुआ करती हूँ, मेरे लाल तू हमेशा खुशहाल रहे। क्या कहने लगी, बातां ने याद करूं, उन बातां ने याद करूं, जब आवे सुसु जाल मने, पाग उजड़ का सुहाग बिछड़ का, ही मुश्किल करी संवार मने, उस दिन तेरे मान लिया था तू ए सहारा लाल मने, ये बेरा था दूध पिला के पाल दिया मेरा, पाल बने पाल।
उस मूर्ख पापी ने शर्म नहीं आई, वो कालजा उठा के और चलता बना घर से बाहर। चलते चलते ठोकर लागी और ठोकर लागते कालजा हाथ से छूट के दूर पड़ गया। कालजा जैसे हाथ से छूट के दूर पड़ा, कालजे माता आवाज आई, रे मेरे लाल, रे मेरे बेटा, उठ खड़ा हो बेटा, तेरे चोट तो नहीं लगी। देखिए जिस माँ का कत्ल किया, जिस माँ का कालजा काट के लाए, उसे कालजे माता आवाज आई, रे बेटा तेरे चोट तो नहीं लगी। और उस अन्यायी ने, उस मूर्ख ने शर्म नहीं आई, उसके बाद भी वो कालजा ठाके फिर चलता हो लिया। कहां पहुंचा कि लड़की से वादा करा था और जाके कहने लगा कि ले तन्नू क्या था कि तेरी माँ के कालजे तो मिला दे, ये मेरी माँ का कालजा काट के लाया हूं। जब ऐसा भयंकर सीन देखा, लड़की की आंख फटी की फटी रह गई, झट से एकदम से धिक्कार दिया, धक्के देके घर से बाहर काट दिया, रे मूर्ख चला जा पापी, तू अपनी माँ का नहीं मेरा क्या होगा। अरे मैंने ये कहा था तेरी माँ के कर्जे से मिला दे, मैंने ये नहीं कहा था कि तेरी माँ का कर्जा काट के ला दे। मूर्ख जो अपनी माँ का नहीं होया वो मेरा क्या होगा, तेरे से बड़ा गद्दार कोई नहीं दुनिया के अंदर, तूने माँ बेटे का नाता इस दुनिया में खत्म कर दिया। चिल्लाने लगी, पागल होगी, धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। क्या बने ठोकर लगी, चलते चलते ठोकर लगी, छूट कालजा तड़े पड़ा, कदे लाग जा चोट लाड ले, चलती हो ले रे उठ खड़ा, उठा कालजा चल्या पपी, चट लड़की के घरा पड़ा, एक चक्कर खागी पपी, कहर ढा दिया कोट बना, कहर ढा दिया कोट बना, और माँ बेटे का नाता जग में, माँ बेटे का नाता जग में, और करया तो बहुत गद्दार तो रुकियो लाल मेरे दो माँ को भी खो दिया, लड़की ने भी घर से धक्के देके निकाल दिया। बाजार के बीच में को सारे कपड़े लव लुहान, हाथ में कर्जा ठहरा, भाजा जावे, लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, पागल हो गया, सुध बुध भूल गया सारी, लोग पत्थर मारे आगे आगे भाज रहा, पूरा शहर गिल लाग लिया, सबके आगे हाथ जोड़ गए, एक चीज मांगे, मन कोई मौत दे दो, मन कोई मौत दे दो। लेकिन लोगों सबके मुंह पे के बात थी, इसको मारना नहीं, इसको तड़पाना है। ये ऐसा दुष्ट है इस धरती के ऊपर जो बेटे के नाम पर कलंक है। अगर हरेक बेटा ऐसा करेगा तो कोई माँ इस दुनिया में कभी बेटे को जन्म नहीं देगी, जितना कि उन्होंने अपराध इसने किया है। माँ माँ करता फिरे लोगो, कोई मन मौत दे दो मौत, लेकिन लोगों ने पत्थर मार मार के लव लुहान कर दिया, बेहोश हो गया, मरण नहीं दिया, खूब तड़पाया, तड़प तड़प के वो मूर्ख पैर पसार गया, खत्म हो गया। कि संसार जब तक रहेगा, सृष्टि जब तक रहेगी, ऐसे बेटे ने जो दाग लगाया ममता के ऊपर वो कभी भूल नहीं पाएगी। क्योंकि एक बड़ी अनमोल बात कही किसी बंदे ने,
बोला माँ बाप का नाम तभी आपसे पूछा जाता है, या तो आपको जमा बढ़िया तो बढ़िया काम करो, लोग कहेंगे फलाने का छोरा किसका छोरा है फलाने का, या फिर लोग तब पूछेंगे जो घटिया से घटिया काम करा करा किसका था रही हो। इसने घटिया कर्म किया, जब तक सृष्टि रहेगी इस पापी को भूला नहीं जाएगा, बुरी कहेंगे लोग इसे। लोगो माँ बाप के साथ में जो दगा करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो इस मूर्ख ने किया ऐसा तक कोई मत करना। जितने मेरे भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जिंदगी में कभी ऐसा मत करना, कोई भी अपने माँ बाप के साथ में दगा मत करना कभी भी, कि जो माँ बाप के प्यार न खा जावे इसे प्यार की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इंसान को। वो प्यार ही क्या जो माँ बाप की ममता न खा जावे, वो प्यार नहीं है, वो ढोंग है, वो पाखंड है, वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। अरे मेरे गुरु जी तो कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलना चाहिए, और पहला प्यार किसका होता है, पहला प्यार माँ बाप का होता है। जो इंसान माँ बाप का प्यार भूल जाता है वो इंसान है ही नहीं, धरती के ऊपर बोझ है, कैसे लिखा है। के देख काढ़ दिया, धक्के देख काढ़ दिया, दुनिया पत्थर मारे पागल हो गया, हाथ जोड़ के फिर मौत मांगता सारे, पिता के सर मार मार के मामा शब्द पुकारे, रमदन बन कहे रोते रोते पप्पी पैर पसा।